What's up guys, तो आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा बीकन का स्ट्रक्चर, जिसके टॉप पर हम बिल्ड करेंगे एक फुल डायमंड बीकन। बट यहाँ पर आती है दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स। हमें चाहिए बीकन और एनी ब्लॉक ऑफ मटेरियल। और अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता होगा मेरे पास एमरल्ड की कमी तो बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग एमरल्ड का यूज करेंगे। लेकिन बीकन के लिए हमें चाहिए बहुत सारे ऑब्सीडियन, जो कि टाइम लगेगा लेकिन एंड से मिल जाएंगे। पर इसी के साथ साथ हमें चाहिए एक और चीज, जो कि है नेदर स्टार। और एक नेदर स्टार के लिए हमें एक विदर को मारना पड़ेगा। और मेन समस्या उसे मारने में नहीं है, मेन समस्या है उसे स्पॉन करने में, क्योंकि एक विदर को स्पॉन करने के लिए हमें चाहिए 3 विदर स्केलेटन हेड, जो कि आसानी से नहीं मिलते। और इसी चीज से निपटने के लिए हम बनाएंगे एक विदर स्केलेटन फार्म, जो कि मैन्युअली करने से तो बेहतर होगा, इवन तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और इसे बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, केवल हमें टर्टल एग चाहिए। और मुझे सामने टर्टल भी दिख गए। ये ले भाई, तू भी खा और तू भी खा, और अभी थोड़ा जल्दी, हाँ टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, तो टर्टल एक तो कलेक्ट हो चुके हैं और ये फार्म कुछ इस तरह से बनेगा। तो अभी मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, तो ये रहा एक छोटा सा टाइम लैप्स। तो अपना फार्म बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, तो अभी मैं मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर का एफके करने के बाद। तो गाइज, बहुत ज्यादा टाइम तक एफके करने के बाद फाइनली हमारे पास इनफ विदर स्केलेटन हेड इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलो अभी चलते हैं थोड़ी सोल सैंड इकट्ठा करने। ओके, हम लोग नेदर में आ चुके हैं और अभी हम माइन करेंगे बहुत सारी सोल सैंड। और फाइनली अपने पास सारा सामान आ चुका है, लेकिन अभी हम बनाएंगे एक विदर किलिंग मशीन, क्योंकि हाँ मैं आलसी हूँ और उसे बनाने के लिए सारा सामान अपने पास ऑलरेडी पड़ा है। तो लेट्स बिल्ड द अल्टीमेट विदर किलर। गाइस, फार्म पूरा बनकर तैयार है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस फार्म को और मैं मिलता हूं तुमसे इस वीडियो का लास्ट एफके करने के बाद। ओके गाइस, तो एफके खत्म हुआ और हमारे पास टोटल 54 नेदर स्टार कलेक्ट हो चुके हैं, जो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए इनफ हैं। और अभी हम एंड में है ही, तो ऑब्सीडियन भी माइन कर लेते हैं। लेट्स गो, इनफ ऑब्सीडियन भी हो चुके हैं और इन फर्नेस में हमारा ग्लास बन रहा है, फिर हम बीकन बना लेंगे। फिलहाल जब तक ये काम कंप्लीट होता है, हम इस एरिया को क्लियर कर लेते हैं। पहले लेते हैं हेस्ट 2 एंड देयर वी गो। ओके गाइस, तो सारा एरिया भी क्लियर हो चुका है और अभी ग्लास भी बन गए हैं, तो बीकन्स को बना लेते हैं। और 39 बीकन बन गए भाई, लेट्स गो। चलो अभी इस डायमंड बीकन को हटाना पड़ेगा। तो ऑलराइट गाइस, अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ आखिर हमारा ये बिल्ड किस आधार पर बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बेस, फिर उसके चारों ओर लगेंगे बीकन, फिर उसके बीच में से एक पिरामिड जैसा बेस और निकालेंगे और उसके चारों तरफ बीकन लगाए जाएंगे। तो अभी मैं तुमसे मिलता हूँ इस पूरे बिल्ड का बेस बनाने के बाद। अभी तुम देख सकते हो पूरा बेस तैयार हो चुका है और अभी इसके चारों तरफ हम बनाएंगे बीकन्स। तो यस, अभी मैं तुमसे बीकन्स बनाने के बाद मिलता हूँ। ओके गाइस, बीकन भी बन चुके हैं, अभी इनके बीच में से एक और ऊपर की तरफ बेस निकलेगा और उसके चारों तरफ भी बीकन्स लगेंगे। तो अभी मैं इस पूरे बिल्ड को कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, अभी बनने जा रहा है हमारा अल्टीमेट डायमंड बीकन। और उसे देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो, वरना गोली मार दूंगा। अब कोई नहीं बोलेगा इसके अंदर से एरोज निकलती है।
गाइज अपना पूरा बिल्ड फाइनली बन चुका है, क्या तुम ये देखना चाहोगे? तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ कर डालो, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।